हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वान स्टडी। हम जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट जनरल साइंस का फिजिक्स पोर्शन कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे थे, लाइट चैप्टर कर रहे थे, तो आज भी उसका कॉन्टिन्यूटी लेक्चर है जिसमें हम कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके रूल्स क्या हैं इमेज फॉर्मेशन के और वो किस तरह से इमेज को फॉर्म करती है। ओके, तो इसे हम आगे कॉन्टिन्यू करते हैं। सबसे पहले क्या है, रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। क्या रूल्स हैं, हमने कनकेव मिरर में भी कुछ रूल्स पढ़े थे और कन्वेक्स मिरर के भी सिमिलर ही रूल्स हैं लगभग, तो इनके क्या रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है, रिफ्लेक्शन के बाद रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। क्या मतलब है इसका कि रिफ्लेक्शन के बाद कोई भी एक, जैसे कि मान लो ये आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कोई भी इंसिडेंट लाइट आपके पास आ रही है, जब वो इंसिडेंट लाइट जो है प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल में जाती है और मिरर पर रिफ्लेक्ट होती है, तो जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पे वो मूव करती है, ये रिफ्लेक्ट होगी जो कि एक रिफ्लेक्टर रे है, ये कैसी अपेयर होती है। अगर हम इसे आगे प्रोड्यूस करें तो ये ऐसी अपेयर होती है कि वो फोकस से मिल रही है, फोकस से जाके रिफ्लेक्ट हो रही है, इस तरह से हमें लगता है। तो ये क्या है, फर्स्ट रूल है इसका, कन्वेक्स मिरर का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, मैं इसे दोबारा से दिखा देती हूँ। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू एक्सिस, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू एक्सिस, इसके पैरेलल में कोई भी रे ऑफ लाइट जा रही है तो वापस जाके जब रिफ्लेक्ट होती है तो वो हमें अपीयर होती है कि वो फोकस से रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है। कनकेव मिरर में वो डायरेक्ट कैसे होती थी, इस तरह से होती थी, जब भी वो इसे पैरेलल में जाती थी तो वो हमें इस तरह से करती थी क्योंकि ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। लेकिन कन्वेक्स में इससे उल्टा है, इसके बिहाइंड होता है, कन्वेक्स मिरर के बिहाइंड होता है फोकस, तो हमें ऐसा लगता है कि वो फोकस से मीट होके जा रही है, ये इसका रूल नंबर वन है। सेकंड रूल क्या है, रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। ये सेम वही है, इसमें बस डिफरेंस इसकी शेप का है, कनकेव और कन्वेक्स मिरर में रूल लगभग सेम है। इसमें क्या होता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट लाइट होती है जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वापस वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी वे में रिफ्लेक्ट होती है। कनकेव मिरर में भी हमने यही पढ़ा था, ये प्रिंसिपल फोकस है जो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, वापस वहीं पे जाके रिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। द नेक्स्ट रूल है, After reflection, a ray of light going toward the focus become parallel to the principal axis. Reflection के बाद यहाँ पे क्या है, जैसे कोई incident light है जब वो इस तरफ से आ रही है और principal focus पे जाके meet करती है, तो उसके बाद principal focus से वो pass होती है। हमने ये concave mirror में पढ़ा था, प्रिंसिपल फोकस से जब कोई भी लाइट इंसिडेंट लाइट पास होती है उसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। सेम वही रूल है यहाँ पे, पर डिफरेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो रे है वो इसी पोर्शन पर जाके रिफ्लेक्ट हो जाती है, आगे हम कहते हैं हमें अपीयर हो रहा है, हमें ऐसा लगता है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है बट हमें ऐसा लगता है कि वो प्रिंसिपल फोकस पर जा रही है, यहाँ पे जाके वापस से रिफ्लेक्ट हो रही है, प्रिंसिपल फोकस पर मीट करी उसके बाद जाती है वापस, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होती है। ओके, देन रूल नंबर फोर है, रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट होती है एक पोल पे, इंसिडेंट होती है पोल पे, वो इक्वल एंगल से ही रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये एक लॉ भी है रिफ्लेक्शन का जो ये वाले इसमें आता है, फोर्थ वाले रूल में। तो कनकेव मिरर में भी सेम होता है, जब भी रे ऑफ लाइट जो है वो पोल पे जाती है वो इक्वल एंगल से ही रिफ्लेक्ट होती है, और वैसा ही सेम जो है वो कन्वेक्स मिरर का रूल शो करता है।
ये कुछ रूल्स थे इमेज फॉर्मेशन के। अगर आपको ये समझ नहीं आए हैं तो आप वापस से इसको रिपीट करके देख सकते हैं और आपको समझ आ जाएंगे। ये इतने भी टफ़ नहीं है। देन उन रूल्स का यूज़ करके हम इमेज की फॉर्मेशन करते हैं। इनमें ज़्यादा इमेजेस नहीं बनती हैं, इनमें कुछ ही इमेजेस बनती हैं। कन्वेक्स मिरर में, कनकेव मिरर में काफ़ी ज़्यादा इमेजेस बनती थी। यहाँ पे इमेज क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। यहाँ पे पोल है ये, और इन्फिनिटी में कहीं भी उसके बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज उसकी बिहाइंड द मिरर बनेगी। ये फ्रंट होता है मिरर का, ये बिहाइंड होता है, इसके बिहाइंड ही बनेगी, जिसके बीच में पोल के बीच में और फोकस के बीच में बनेगी। और ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है, और डिमिंस्ड होती है। डिमिंस्ड मतलब बिल्कुल छोटी सी होती है। ये फर्स्ट रूल था इसका फॉर्मेशन का। देन सेकेंड है, जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे होता है, मतलब बहुत दूर होता है, तो जो हमारी इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। कहाँ पे, एट फोकस पे। इस पे इमेज बनेगी हमारी एट फोकस पे। कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड हाईली डिमिंस्ड। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब सीधी होगी और हाईली डिमिंस्ड बहुत छोटी सी होगी। ठीक है, ये इसका सेकेंड था। ये जो मैंने आपको जितने भी रूल्स बताए हैं या फिर इसकी इमेज फॉर्मेशन बताई है, चाहे वो कन्वेक्स मिरर में हो चाहे वो कनकेव मिरर में हो, इनमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस किस टाइप के आ जाएंगे कि अगर इमेज, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे है तो आपकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, कैसी इमेज आपकी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी या डिमिंस्ड होगी, किस तरह की इमेज बनेगी, या प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, उसका जो एक फॉर्मूला था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f, तो ये सारा जो है इनमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इन्हें अच्छे से समझ के करना, अगर आप इन्हें समझ के करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, लेकिन अगर आप इसे डायरेक्ट से रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो वो आपसे नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो जाएगी। क्रैम नहीं करना है, आपको इसे समझना है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। ओके, देन यही थे कन्वेक्स मिरर के कुछ ही रूल्स हैं और कुछ ही इमेज फॉर्मेशन है। देन यूजेस क्या है कन्वेक्स मिरर, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। सबसे पहले कन्वेक्स मिरर जो है वो आपके व्हीकल्स में यूज़ होता है। व्हीकल्स में जो मिरर यूज़ होते हैं वो कन्वेक्स मिरर है। सन ग्लासेस में यूज़ होते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लासेस में, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कन्वेक्स मिरर यूज़ किए जाते हैं। स्ट्रीट लाइट्स में कन्वेक्स मिरर यूज़ किए जाते हैं। बिल्डिंग्स के इनसाइड भी कन्वेक्स मिरर यूज़ होते हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हीकल्स में कौन सा मिरर यूज़ होता है, कनकेव की कन्वेक्स, रियर व्यू मिरर होता है जो साइड पे। फिर मैग्नीफाइंग ग्लासेस में कौन सा मिरर यूज़ होता है, कनकेव की कन्वेक्स। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। ओके, देन इसके बाद साइन कन्वेंशंस है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन, क्योंकि इसके बाद जो भी आपका मिरर फॉर्मूला है वो आपके इन्हीं साइन कन्वेंशंस पर यूज़ होगा। आप कैसे उसकी मैग्नीफिकेशन निकालते हो तो वो सब इन्हीं पर बेस है। आपको, आपने नंबर लाइन तो पढ़ी होगी, उसमें क्या होता है, ये ज़ीरो पॉइंट है, इस साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। वैसे ही अगर हम यहाँ पे करें तो ये ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव होता है। जब हम कार्टेशियन साइंस वगैरह पढ़ते हैं तो ऐसे ही होता है ना, तो सेम यही रूल जो है वो इसमें यूज़ किया गया है। ये आपको साइन कन्वेंशन स्फेरिकल मिरर्स में, यहाँ पे अगर हम अपना स्फेरिकल मिरर रख दें कोई भी, तो अगर यहाँ से इंसिडेंट लाइट आती है तो जिस पोर्शन में इंसिडेंट लाइट जा रही है, मतलब इस साइड, इस साइड कोई भी चीज़ होगी उसे, उसका डिस्टेंस हम हमेशा पॉजिटिव में लेंगे, और इस साइड कोई भी होगी उसका हम नेगेटिव में लेंगे। ओके, और ऊपर वाली साइड कोई भी अपवर्ड कोई भी चीज़ होगी वो पॉजिटिव में होगी, और डाउनवर्ड कोई भी होगी वो नेगेटिव में होगी। अगर हम इसका ध्यान से देखें, मैंने आपको बताया था यहाँ पर पॉजिटिव होगा और इस साइड नेगेटिव होगा, ऊपर वाली साइड पॉजिटिव है और नीचे वाली साइड क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसका डिस्टेंस मिरर से यहाँ तक देखें तो हम ये नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि जो नंबर लाइन है उसके यहाँ पे नेगेटिव आता है, और इस साइड जो डिस्टेंस लेंगे पॉजिटिव में लेंगे।
अगर हम अपवर्ड मूवमेंट अपवर्ड में देखें, जैसे उनकी हाइट है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट अगर ऊपर वाली साइड होगी तो वो पॉजिटिव में होगी, नीचे वाली साइड होगी तो वो नेगेटिव में होगी, तो हम इसे नेगेटिव में लेंगे। ये कुछ साइन कन्वेंशंस हैं जो आपको याद रखने हैं। मुझे लगता है अगर आप वो कार्टेशियन वाला देख लेंगे